वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई करते हुए देश भर में पटाखों की बिक्री पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें जरूर लागू की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिर्फ लाइसेंसधारी ही पटाखे बेच पाएंगे, तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और दूसरी चीज ये कही है कि जो जितने बम बनते हैं, जो पटाखे बनते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है, जैसे बेरियम, जैसे सल्फर, एल्युमिनियम, पोटेशियम, तो इसकी मात्रा उतनी रहेगी जितनी कि पैसो, एक ऑर्गेनाइजेशन है पैसो, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी वो प्रिस्क्राइब करती है, उतनी मात्रा में वो गन पाउडर वगैरह डलेगा। उससे ज़्यादा डलेगा तो पुलिस एक्शन ले सकती है। और पुलिस के लिए ये कहा है कि जो SHO है, वो SHO पूरा का पूरा इसको कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। अगर ये रेगुलेशन में कोई भी कमी आई टाइम में, या बम और पटाखों के जो मटेरियल है उसमें अगर कोई कमी आई, तो SHO पर्सनली रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस एरिया का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धार्मिक जलसों में भी पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। केवल ग्रीन और सेफ पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन जारी रहेगा। दिवाली के दिन 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं रहेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया, जिसमें फायर क्रैकर यानी पटाखों पे बैन लगाया है। 24 घंटे में से 22 घंटे बैन रहेगा। पटाखे सिर्फ 8 बजे शाम से 10 बजे रात तक 2 घंटे के लिए ही चलाए जा सकते हैं। पहले ये जो टाइम था, सिर्फ 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चल सकते थे, लेकिन अब ये टाइम घटा के 2 घंटे कर दिया है, 8 और 10 के बीच में। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता की बात है, लोगों के लिए भी। आम लोग सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन सेल पर बैन लगा दिया है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ तौर से कहा है कि ई कॉमर्स पोर्टल पर पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। बता दें, पिछले साल 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।